A very warm good morning to all my dear students. How are you all? I hope all of you are in good health. Today I am making online videos for class 4 subject maths. Chapter name is fractional numbers. Bachcho, this figure is divided in 8 equal parts and 5 parts are shaded. The shaded parts indicates the 5/8 of the whole. Yeh jo picture aap dekh rahe ho yahan par, is pictures mein total jo part hai wo hai 8. ठीक है, इसमें से पांच जो पार्ट्स है वो क्या किए हुए हैं, शेडेड किए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो शेडेड पार्ट्स है, ये 8 पार्ट में से ही 5 पार्ट क्या है, शेडेड है, यानी कि कलर किया हुआ है। ठीक है, और जो अनशेडेड पार्ट है, जो अनशेडेड पार्ट है बच्चों, वो भी इंडिकेट करता है 3/8, यानी कि 3 पार्ट्स जो है, 8 टोटल कितना है, 8 है, जिसमें से जो 5 पार्ट्स है वो कलर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 जो शेडेड पार्ट होगा उसके लिए हम लिखेंगे 5/8, और जो शेडेड पार्ट नहीं है उसके लिए हम लिखेंगे 3/8। ठीक है, उसके बाद है वी रिप्रेजेंट 5/8 बाय द न्यूमरल। हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे 5/8, क्योंकि शेडेड पार्ट हमारा 5 है, एंड 3/8 बाय न्यूमरल। 3/8 का कैसे 3/8, क्योंकि 3 जो है वो अनशेडेड है। दस वी हैव सी द ईच फ्रैक्शनल पार्ट इज एक्सप्रेस बाय नंबर विच हैज़ 2 न्यूमरल। तो इस वजह से हम देखेंगे कि 2 नंबर्स में फ्रैक्शंस को डिवाइड किया जाता है, मतलब लिखा जाता है। 1 इज़ रिटन अबव, अदर सेपरेटेड बाय अ लाइन सेगमेंट। एक जो है इस तरह के लाइन सेगमेंट के ऊपर लिखा जाता है और एक लाइन सेगमेंट के नीचे लिखा जाता है, जैसे कि 1/3, 1/3, 2/3, 2/3, 1/2, 1/2, 1/4, 1/4, 3/4, 3/4। बात समझ गए। इन फ्रैक्शनल नंबर द न्यूमरल रिटन बिलो द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शनल नंबर में जो नीचे नंबर लिखा जाता है, नीचे वाला जो नंबर होता है, ये वाला नंबर जो होता है इस लाइन से नीचे लिखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं लाइन सेगमेंट, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ये क्या डिनोट करता है, द नंबर ऑफ पार्ट विच वन होल इज़ डिवाइडेड। ठीक है, ये डिनोट करता है कि जो नंबर है ये पूरे पार्ट को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, द न्यूमरल रिटन अबव द लाइन सेगमेंट इज़ कॉल्ड न्यूमिनेटर। और लाइन के ऊपर जो लिखा रहता है, ये 3 जो है लाइन से ऊपर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे न्यूमिनेटर। ठीक है, न्यूमिनेटर बोलेंगे। द न्यूमिनेटर डिनोट्स द नंबर ऑफ पार्ट्स विच आर टेकन और शेडेड। जो न्यूमिनेटर वाला जो नंबर होता है ये दर्शाता है, ये बताता है कि कितना पार्ट्स जो है वो लिया गया है और शेडेड किया गया है। बात समझ में आ गया। जैसे कि व्हेन 5 पार्ट्स ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स आर शेडेड, देन द शेडेड पार्ट्स 5/8 और 5/8 ऑफ द होल। जैसे कि 5 पार्ट जो है हम निकाल देते हैं, ठीक है, 8 इक्वल पार्ट्स क्या है, शेडेड है, तो जो शेडेड पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। सो 5 हो जाएगा हमारा न्यूमिनेटर जो कि शेडेड पार्ट है, और 8 जो है वो डिनोमिनेटर जो कि पूरा है, पूरे पार्ट में कितना मतलब डिवाइड किया गया है वो बता रहा है। ठीक है, तो 8 में से जो 5 पार्ट है वो न्यूमिनेटर हो जाएगा और बाकी नीचे हम टोटल 8 ही लिखेंगे, शेडेड पार्ट हमें ऊपर दिखाना रहता है। अब आते हैं इस पिक्चर में। ए में दिया हुआ है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय शेडेड पार्ट एंड अनशेडेड पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। 1 इज़ डन फॉर, एक आपको बना के यहाँ पे दिखाया गया है। ये टोटल कितना है, ये टोटल है 10 ब्लॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितना है, 10 है, जिसमें से नंबर ऑफ शेडेड पार्ट दिया हुआ है आपको 5 और नंबर ऑफ पार्ट्स अनशेडेड दिया हुआ है 5। शेडेड पार्ट कितना है, तो 5 है, और अनशेडेड और उसके बाद अनशेडेड पार्ट कितना है, तो वो भी 5 है, लेकिन हमारा टोटल कितना है, टोटल नंबर ऑफ, तो टोटल नंबर है हमारा 10 और 10। तो हम शेडेड पार्ट क्या लिखेंगे, 5/10, और अनशेडेड पार्ट में भी हम लिखेंगे 5/10। नीचे वाले में जितना पार्ट्स होता है वो लिखना रहता है डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में जो शेडेड पार्ट होता है वो लिखना रहता है, और अनशेडेड पार्ट को डिनोट करना पड़ता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितना है इस सर्किल में, तो बच्चों है 12। और नंबर ऑफ पार्ट्स कितना शेडेड है, तो 1, 2, 3, ओनली 3। और नंबर ऑफ पार्ट्स अनशेडेड कितना है, तो 9 है, जिसपे कोई शेडिंग या कोई कलर नहीं किया हुआ है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा शेडेड पार्ट का, तो जो हमारा शेडेड पार्ट का है कितना रंग किया हुआ है, तो 3 है। तो 3 बाई टोटल कितना था हमारा, 12, तो 3/12 लिख देंगे। और फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट कितना है हमारा, तो 9, जिसमें कोई शेडिंग या कोई कलर नहीं किया हुआ है, तो वो है 9। तो 9 बाई, और टोटल कितना था, टोटल था 12 पार्ट्स, तो 9/12 लिख देंगे। उसके बाद है यहाँ पे एक और, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है इसमें आपको 20। नंबर ऑफ पार्ट्स शेडेड कितना है, 8। और नंबर ऑफ पार्ट्स अनशेडेड कितना है, 12। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा शेडेड पार्ट का, तो 8/12 हो जाएगा। और अनशेडेड पार्ट का क्या हो जाएगा, तो शेडेड पार्ट का हो जाएगा 8/20। और फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट का हो जाएगा आपको 12/20। तो इसी तरीके से 4 और 5 आप सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमरेटर कैसे लिखते हैं और डिनोमिनेटर कैसे लिखते हैं वो हम सीखेंगे। सो चिल्ड्रन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।